देखिए करंट क्या होती है, तो जैसा आप कन्वेंसली पढ़ते चले आए हैं कि करंट क्या होती है, क्या पढ़ते चले आए हैं, ये पढ़ते चले आए हैं कि करंट जो है उसकी डिफिनेशन आपने पढ़ी क्या, कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जनरलाइज एक डेफिनेशन है, सबको पता है करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा, चार्ज। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, यहां से इक्वेशन बनी क्या, इसको इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई और स्मॉल आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई, इसकी यूनिट क्या है, जनरलाइज यूनिट, चलो अभी अब देखते हैं। ठीक, एक तो होती है कूलाम पर सेकेंड, दूसरी एम्पियर, अभी मिल जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो चार्ज क्या हो गया, करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी यानी चार्ज के फ्लो का रेट। अब चार्ज कहीं फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, यानी अब मान लो किसी ड्यूरेशन की बात हम करें, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी, यानी किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर इतना चार्ज पास हुआ तो वहां पे हम अगर करंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से। अब यहां से देखो नई यूनिट क्या मिल जाती है हमको, कूलाम पर सेकंड, यहाँ पे देखिए चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, इसकी सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, और लेकिन जनरलाइज इक्वेशन हम लोग जनरलाइज क्या लिखते हैं, यूनिट एम्पियर। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, अगर आप किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बात हो, किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें, तो हमारी इसकी जो अगली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी जब हमको वेरिएबल चार्ज का इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इन सब की यूनिट जो है एम्पियर, हम लोग ए से सॉल्व करते हैं एम्पियर। ठीक है, तो ये बात हुई इसके करंट की, लेकिन अब करंट होती क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, इसको भी तो समझना है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इस चीज को हमको पढ़ना है, इस चीज को हमको जानना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को समझेंगे, किसके स्ट्रक्चर को, किसी कंडक्टर के स्ट्रक्चर को, कि क्या हो रहा है उस कंडक्टर में। आइए समझिए, ये मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, अब समझिए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है क्या, ये तो जनरलाइज इक्वेशन है, हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से मतलब नहीं है, हमको मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमारा मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉन से है। ठीक, हमको पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जो ये तो जनरलाइज इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन बनी, जो हमारी मतलब ये जनरलाइज डेफिनेशन है, जो हमारी डेफिनेशन होगी अभी अब आगे चल करके वो होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमको बेसिकली मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से, सब कुछ हमको इलेक्ट्रॉन से देखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल सोर्स के अक्रॉस, यानी किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस या किसी एनर्जी सोर्स के अक्रॉस जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो एनर्जी सोर्स क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि इस हमारे कंडक्टर में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की जनरली अब बात करेंगे, प्रोटॉन्स की और इन सब की बात नहीं करेंगे, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इनके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। क्यों, अभी हमने बताया था चार्ज की डिफिनेशन यही थी कि अगर कोई भी चार्ज, कोई भी मैटर जिसमें ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल लगाने से क्या हुआ, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। ठीक, उसके कारण क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स के कारण क्या होगा, इनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं थे हमारे, यानी जब फील्ड नहीं लगी थी तब भी हमारा ये, हम समझो यहाँ पे ये जब फील्ड नहीं थी तब भी ये हमारे इलेक्ट्रॉन से जो मोशन कर रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट वो भी समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन कुछ यूं मोशन करते हैं, कभी इधर गए टकरा के इधर आए, फिर इधर गए इधर आए इधर आए, तो ये जो इनका रैंडम मोशन चल रहा था यहाँ पे, इसके कारण ये जो मोशन की इनकी वेलोसिटी होती है, यानी जिस स्पीड से यहाँ पे ये रैंडमली चलते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चीज हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
तो ये जो रैंडम मोशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस समय कोई पोटेंशियल नहीं लगा होता है उसकी जो वहाँ पे नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जीरो होती है, ठीक है। नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इनकी, जीरो है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनका जो सारा वेलोसिटी का जो है आपस में कैंसिलेशन हो जाता है और जो हमको नेट वेलोसिटी मिलती है वो जीरो मिल जाती है। लेकिन जब हमने पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, जब हमने पोटेंशियल सोर्स यहाँ पे लगा दिया है, तो पोटेंशियल सोर्स लगाने के बाद क्या होता है, अब इनको एक नेट डायरेक्शन मिलती है मोशन के लिए, ठीक है, अब इनको एक नेट डायरेक्शन मिलती है मोशन के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। फील्ड का सेटअप ये है, ये फील्ड की डायरेक्शन सेटअप हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी वो टकराएंगे, ऐसा नहीं है, अभी भी वो टकराएंगे, लेकिन अब उनको एक नेट डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, जिधर उनको मूव करना है। तो बेसिकली हम समझ ये सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे ये सोर्स लगाया, जैसे ही हमने यहाँ पे सोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब एक फोर्स का अनुभव करने लगे, और फोर्स के अनुभव कारण क्या हुआ, वो उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ किधर, इसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट की तरफ उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन उनको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन ये मिला, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन बताने जा रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन होती क्या है, ठीक है। तो कन्वेंशनली, यानी जब पुराने समयों में इलेक्ट्रॉन के विषय में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को के विषय में कुछ पता नहीं था, तो जो भी हमारे साइंटिस्ट थे सब पॉजिटिव चार्जेस पे काम करते थे, यानी सब धनात्मक आवेशों पे काम करते थे। तो जो भी उन्होंने नियम कानून बनाए वो सब धनात्मक आवेश के सिद्धांतों को लेकर ही बनाया है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, तो जो हमारे धनात्मक आवेश हैं, यानी जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनका मूवमेंट डायरेक्शन ये होता है, उनका मूवमेंट डायरेक्शन क्या है, ये है, उनका मूवमेंट डायरेक्शन ये ऊपर वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रेड पे मार्कर से बताता हूँ, ये इनका मूवमेंट का डायरेक्शन, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उनका डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, प्रोटॉन की डायरेक्शन यानी पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन इस तरफ। तो हमारे जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है, यानी जो हमारी करंट की डायरेक्शन बनेगी वो भी हमेशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, यानी करंट इधर से एंटर करेगी और इधर से लीव करेगी, करंट इधर से एंटर कर रही है और इधर से लीव कर रही है। क्योंकि कन्वेंशनली क्या था, कन्वेंशनली सब पॉजिटिव चार्ज पे ही डील करते थे हमारे साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो डायरेक्शन भी दी करंट की वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ही दी। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो फिर वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को समझने लगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या निकली, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की अपोजिट निकली, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरफ से इस तरफ चलेंगे, जैसे जैसे कि हमको पता है कि वो क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेंगे बैटरी के, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, ये हमको करंट की डायरेक्शन मिल गई। तो एक चीज यहाँ पे क्या नोट करना है, एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अभी हमने करंट के बारे में वहां समझा नहीं, अभी हमको समझना है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, या हम कह सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। क्योंकि अब हमने क्या बताया, हमको सब कुछ इलेक्ट्रॉन से डील करना है, तो हम सब कुछ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझेंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ही, यानी ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखिए करंट को आप समझिए, करंट है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मान लिया, ये कोई एक हमने एक अनुप्रस्थ काट काट लिया ऐसे, ये हमारा एक अनुप्रस्थ काट है ऐसे, ये हमने एक अनुप्रस्थ काट यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब क्या है, अब हम मान लीजिए इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, या कोई यहाँ पे समथिंग, कोई ए बी सी डी खड़ा है, ठीक। अब वो इस पॉइंट पे देख रहा है, तो अब चार्ज की ये जो डिफिनेशन है उसको समझिए, इसका मतलब क्या है, ठीक। आपने रट तो लिया, खूब पढ़ा, खूब आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी खूब पढ़ रहे हैं, ठीक, बचपन से, ठीक, बचपन मतलब 8वीं 9वीं 10वीं से, 8वीं 9वीं 10वीं से, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, ठीक। अब देखिए, अब ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, हमने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, मतलब अब ये व्यक्ति इस पॉइंट पे देखेगा, यानी इस क्रॉस सेक्शन को देख रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे वो 1 सेकंड तक देखेगा, और 1 सेकंड तक देखने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे उनका जो चार्ज होगा वही हमारा 1 एम्पियर करंट के बराबर होगा,
वही हमारा एक एम्पियर करंट के बराबर हो गया। यानी फुल डेफिनेशन हमारी क्या हुई, फुल डेफिनेशन ये हो गई कि इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम नंबर ऑफ चार्जेस पास्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया और थ्रू अ पॉइंट इज नोन एज करंट। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहां पे अगर एकांक समय की बात कर रहे हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई वन, तो I इक्वल टू क्यों हो गया Q, अगर Q इक्वल टू क्या होता है N E, तो I इक्वल टू क्या हो गया Q, तो मतलब क्या हुआ कि एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में किसी पॉइंट से जितना चार्ज पास होता है, ठीक है, एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से या किसी पॉइंट से, यानी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से या एक पॉइंट से जितना चार्ज पास हुआ वही हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है, यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कि पूरे कंडक्टर से कितने चार्ज पास हो रहे हैं, वो रेट ऑफ करंट नहीं है, वो करंट की डेफिनेशन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर यानी एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ वही क्या कहलाता है, उसका करंट कहलाता है, वही क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का करंट कहलाता है। यानी फिर से आप समझिए क्या कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और पास थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम यानी इकाई समय में, इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट, या दूसरे शब्दों में द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और पॉइंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज चार्ज, इज नोन एज चार्ज, ठीक है, सॉरी इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। अब मैं थोड़ा इसको और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझिए, तो आपको उम्मीद है करंट का मतलब पता चल गया होगा कि करंट मतलब होता क्या है और क्या है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉन है, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज की तो नगण्य है, उनकी कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब यहां पर मैं लिखता हूं द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब यहां पे किससे है, इलेक्ट्रॉन से, सब कुछ हमको इलेक्ट्रॉन से डील करना है, इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और अ पॉइंट, और अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये है, ये है फुल डेफिनेशन, ये है फुल डेफिनेशन। अब यहां पे देखिए I इक्वल टू हमने क्या रख दिया, T हमने 1 सेकंड रख दिया, तो I इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे देख रहा है ये ना, I इक्वल टू क्या हो गया Q, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में जितना पास होगा, एक यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हुआ किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से वही उसके करंट के बराबर है, वही करंट के बराबर है, ठीक है, ये हो गया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है जिसको भी आप याद रखेंगे उस पर न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये और निकल के फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू टी, क्यू वेरिएबल टी है, तो क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी, ये ठीक, इतना कूलम, ठीक है, तो इतनी चीजें अभी आप याद रखेंगे करंट के लिए, इतनी चीजें आप करंट के लिए याद रखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और फिर आगे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर एनर्जी, इन सबको डिस्कस करेंगे। करंट के लिए इतनी चीजें आप याद रखिए, हम एक दो न्यूमेरिकल, दो तीन न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इसके साथ, जो परीक्षाओं में पूछे गए हों जिस प्रकार के, या उनके पूछे जाने की संभावना है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स एक दो डिस्कस करेंगे, और फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इन सब पे आगे बढ़ेंगे, और उसको कि चार्जेस के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, उसकी डेफिनेशन वगैरह, डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या है, कि कैसे एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है किसी एक पॉइंट से एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग करंट कहते हैं, वो सब चीज़ें हमने समझी। करंट में थोड़ी सी चीज़ और है जो हम समझते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, आपको पता है कि करंट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, करंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की,
कौन कौन सी, एसी और डीसी। थोड़ी सी इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एसी में चलेंगे कि एसी क्या है, लेकिन अभी बस थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ करंट के बारे में। तो करंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी डायरेक्ट करंट जिसको दृश्य धारा बोलते हैं, हिंदी वाले अपना लिख लेंगे डायरेक्ट करंट दृश्य धारा। तो एक होगी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी दृश्य धारा, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, वह भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसको, आप बेसिक आइडिया लीजिए बस। ये हो गई एसी, ये हो गई डीसी, ठीक है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिनका मैग्नीट्यूड और टाइम, जिनका मैग्नीट्यूड और टाइम समय के साथ परिवर्तित होते रहे, जिनका मैग्नेट सॉरी जिन ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तित होते रहे, और ये वो एक निश्चित समय के बाद अपना फेज अल्टर कर दे, यानी फेज को भी परिवर्तित कर दे, ऐसी करंट हमको क्या कहलाती है, ऐसी करंट कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक करंट्स जो एक निश्चित समय के बाद अपना फेज अल्टर कर दे, और जिनका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल हो, ऐसी करंट को हम लोग कहते हैं एसी करंट। जैसे ये हमने एक एसी करंट का एक एग्जांपल दिया, ये तो बोलते हैं साइनसॉइडल एसी करंट, यानी जयवक्रीय करंट है ये। ये हमने मान लो कोई करंट को शो किया है, उसका ये ग्राफ बनाया, तो क्या है जयवक्रीय करंट है। इसमें आप देखेंगे हर एक पर्टिकुलर टाइम, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई भी आप टाइम ले लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप समझें, डीसी को मैं नीचे समझा दूंगा, एसी को उधर समझा देता हूँ, ये आप समझिए। ये एसी को डील में डिस्कस में डील करेंगे, एसी में जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ी सी आइडिया लीजिए बस करंट के बारे में। अगर देखिए हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बात करें, इस टाइम पे T1, इस टाइम पे T2, इस टाइम पे T3, तीनों टाइम पे देखिए, ये तीनों टाइम पे अगर हम मैग्नीट्यूड लें, तो पहले टाइम पे मैग्नीट्यूड ये है, दूसरे तो टाइम पे मैग्नीट्यूड ये है, तीसरे टाइम पे मैग्नीट्यूड ये है। तो हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, ये तो पॉजिटिव साइकिल है, ये निगेटिव पार्ट है उसका, ये पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए किसी भी टाइम पे देखिए, मान लीजिए I1 हो गई, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया कुछ, ठीक। तो हर एक टाइम पे यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यानी परिमाण क्या है इसका, लगातार बदल रहा है। और हम लोग दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा वक्र में दिशा कैसे निकालते हैं, कर्व में, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। मान लीजिए चलो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए इस पॉइंट के लिए, इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आप देखिए तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी तीनों पर्टिकुलर टाइम पे, हम अगल बगल की बात करें यहाँ पे भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो आप देखिए हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो आपने देख ही लिया, चाहे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखिए, चाहे ये देखिए चाहे उसके बगल ये देखिए, तो पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और देखिए एक निश्चित समय के बाद ये अपने फेज को भी यानी कला को भी परिवर्तित कर दे रहा है। यहाँ पे ये कैसा था, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव, ठीक है। तो ऐसी जो भी हमारी धाराएं होंगी यानी करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ऐसी करंट जिसकी, लिख लेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एक ऐसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट्स आर दोज करंट्स हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट अल्टर्स इट्स फेज। मतलब प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो जिसका परिणाम एक समय के साथ तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, तथा एक निश्चित समय के बाद वो अपनी कला भी परिवर्तित करता है, ठीक। ऐसी धारा को हम लोग दृष्ट धारा, वो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब दृष्ट धारा के बारे में समझेंगे, दृष्ट धारा क्या होती है, दृष्ट धारा वो धारा है जिसका परिमाण और दिशा, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, इसका परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसी धारा को हम लोग दृश्य धारा कहते हैं। देखिए ये समझिए, ये हमारी करंट आई है, ठीक है, यहाँ पे करंट आई है। तो ये देखिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें, किसी भी इंस्टेंट, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, T5, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखिए, ये हर समय, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, कॉन्स्टेंट है, और डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन तो हमेशा यही है, ठीक है। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, और इसमें कोई फेज अल्टरेशन भी नहीं होगा, यानी ये फेज भी चेंज नहीं करता अपना, ठीक। और ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज वेरिएबल वेरिएबल विद टाइम, ठीक है। इसका यू क्या कहलाती है हमारी एसी करंट, और एक निश्चित समय के बाद अपना फेज को भी अल्टर कर देते हैं। तो इतना आप करंट इन दोनों के विषय में अभी समझिए, और आगे चलते चलते हम लोग अपना पढ़ते चलेंगे और हम इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी हमको एसी तो पूरा एक हमारा फेज ही है जिसको हमको डिस्कस करना है, एसी, ठीक। वहां पे हम लोग उसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये बेसिक चीजें समझिए, एसी क्या है, डीसी क्या है, ठीक है। और भी आप एक चढ़ी होगी पढ़ा होगा कि एसी में क्या होती है फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या, यहाँ पे कोई साइकिल ही नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे कोई अल्टरेशन ही नहीं है। जहां पे कोई साइकिल ही नहीं बनेगी तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। जब यहाँ पे कोई साइकिल ही नहीं है तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। आइडियली फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, जीरो। एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज, और कई यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में 60 हर्ट्ज। मतलब वो 1 सेकंड में, ये हमारे यहाँ की जो एसी है वो 50 चक्कर लगाती है और वहां वाली 60 चक्कर लगाती है। तो एसी के हमारे यहाँ पे जो आने वाली करंट है घरों में जो आती है हमारे सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और डीसी में क्योंकि कोई साइकिल ही नहीं बनती है इसलिए यहाँ की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कुछ टेक्नीशियन लेवल की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत में आने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, और विदेशों में कई देशों में जैसे अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है, लेकिन हमारे भारत में 50 हर्ट्ज, ठीक। और हमारी डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल ही नहीं बनती, कोई अल्टरेशन ही नहीं है। जब कोई अल्टरेशन और कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। अब करंट से जुड़ा हुआ टर्म एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, उसको भी साथ में चलते चलिए। अभी अब आगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे उसका काम आएगा, तो अभी उसको आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, ठीक, इसका सिंबल होता है जे, इसको हम लोग जे से डोनेट करते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी का मतलब है कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया में यानी एकांक क्षेत्रफल में जितनी करंट होगी उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। जैसे फ्लक्स डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको उसकी फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, वैसे ही करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी क्या है कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से है यहां पे, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी, ठीक। तो करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू आई बाई ए, जे इक्वल टू आई बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, याद रखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग एरिया को यूनिट मान ले, ठीक है, अगर एरिया को यूनिट मान ले तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारा जे इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, जे इक्वल टू आई बाई ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे, करंट डेंसिटी का हम लोग जो पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखेंगे तो वहां पे काम आता है, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया इसको दे दिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आपको ये दो प्रश्न मैंने दिए हैं, ये दो प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इफ अ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट, ठीक है, यानी एक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। तो एक किसी पॉइंट से, कंडक्टर के किसी पॉइंट से एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज, कितने नंबर ऑफ चार्ज पास हो रहे हैं आपको ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। वो करंट दी हुई है आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमको, और हमको क्वेश्चन दिया हुआ, और हमको दिया यूनिट टाइम, यानी टाइम दे दिया टी इक्वल टू 1 सेकेंड, और हमको बताना क्या है, हमको बताना है नंबर ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग एन से डोनेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज हमको एन से बताना है कि नंबर ऑफ चार्ज। तो हमको पता है कैसे हम लोग लगाएंगे, हमको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, ओके।
और क्यू बराबर क्या होता है एन डॉट ई बाई टी, ठीक है। तब हमको पता हो गया, अब टाइम क्या दे दिया उन्होंने, एकांक दे दिया, तो ई आई इक्वल टू क्या हो गया एन ई के बराबर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड हमने पुट कर दिया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एन, हमको ई उन्होंने दे रखा है और हमको ये ई पता है, तो ये कितना हो गया 1 एम्पियर। एन को हमको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ - 19, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ - 19। ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ - +19, ऊपर जाके +19, तो यहां से हमको एन इक्वल टू मिलेगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बस वो क्या करता है यहाँ पे करंट को चेंज करेगा, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, कभी कुछ एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे बदलता रहता है और आपसे नंबर ऑफ चार्ज पूछेगा, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा प्रश्न है ये तो सीधे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीधे भी ये पूछ लिया गया है कि 1 एम्पियर अगर चार्ज हमारा फ्लो होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पास करने चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, इसको आप ये याद भी रख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। तो कितना होता है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 यूनिट सेकंड में, यानी 1 सेकंड में अगर किसी पॉइंट से इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे तो वहां पे करंट का मान कितना होगा 1 एम्पियर, वहां पे करंट का मान कितना होगा 1 एम्पियर। इस तरह से कभी टाइम ड्यूरेशन भी दे देता है कि किसी पॉइंट से किसी, ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप दूसरा क्वेश्चन भी समझ लीजिए, कि कह देगा किसी पॉइंट से, किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट से t = 2 से t = 4 सेकंड के बीच उस पॉइंट से समथिंग कुछ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो आपको बताना होगा कि कितनी करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रही है। तो आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, एन डॉट ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, पर यूनिट टाइम आपको निकाल, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे और वो चार्ज का ड्यूरेशन रख देंगे, यानी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रख देंगे जिसके जिसके बीच का आपको निकालना होगा, और वहां से आप करंट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम आगे का क्वेश्चन उससे ये देख लेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाई दिस देन द फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट टू करंट एट टू टी इक्वल टू 2 सेकंड। इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए हमको पता है, हमने फॉर्मूले भी सारे लिखा दिया आपको करंट, तो ये क्या है वहां पे हमको वेरिएबल चार्ज दिया हुआ है, टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हमको वही वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा टाइम के साथ वेरिएबल करंट का। तो आई टी इक्वल टू क्या हो गया dQ/dt, IT = dQ/dt या dQ/t। तो यहां पे हम लोग सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, d/dt, Q की वैल्यू कितनी है 9t² + 3t + 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे सबको आता होगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 18t, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन +3 + 0, कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, करंट एट 2 सेकंड, तो आई टी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 × 2 + 3, ये कितना हो गया हमारा 39 एम्पियर, ठीक है, 39 एम्पियर, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हुए। अब आगे देखते हैं, हम इसको आप नोट कर लेंगे,